आपको पूरा बताएंगे जिप्सी में कितना टाइम लगता है, कितने की बनती है भाई। कर दो कॉल घर पे, कर दो भाई, लेट हो जाएंगे। अरे बोट वाला इंजन लगा हुआ है गाइस इसमें, एक बात एक दिक्कत है, ठंड लग रही है भाई। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं होटल में, और यार सुबह से आप देख रहे हो हम लगे हुए हैं। अमृतसर में भी हम ढंग से सो नहीं पाए, काम एडिटिंग ट्रैवल करते हुए। तो गाइस इतनी बॉडी को स्ट्रेन देने पे, इतनी आंखों को दिक्कत देने पे आ जाते हैं डार्क सर्कल, क्योंकि ना हम टाइम पे सो पाते ना टाइम पे उठते, तो इसलिए आ जाते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े डार्क सर्कल आ। अब इसको कम कैसे किया जाए, इसको ठीक करने का इलाज मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरे डार्क सर्कल इतने लाइट कैसे रहते हैं इतना ट्रैवल और इतना सब कुछ करने के बाद, वो रहते हैं इसकी वजह से। बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम, इसके फायदे मैं बताता हूँ। स्किन को नरिश करेगा, ठीक है, सारी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, और कोई भी हार्श केमिकल फ्री प्रोडक्ट है मामाअर्थ। और एक और बात, मामाअर्थ की वेबसाइट से आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो ये आपके हर ऑर्डर के साथ एक ट्री प्लांट करते हैं, और उस ट्री को जो भी प्लांट किया होता है उसको आपके ऑर्डर के साथ लिंक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकल करते हैं। तो गाइस चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइज अगर आप इसका डेली यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपकी स्किन नरिश रहेगी, और जैसे ये स्किन बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना, डेड स्केल हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे और डार्क सर्कल आपके लाइट होने लग जाएंगे। तो गाइज ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा Amazon, नायका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप पे भी, और मेरा कूपन कोड है SRV2022 जो देगा आपको 20% ऑफ मामाअर्थ की वेबसाइट पे भी और मामाअर्थ की ऐप पे भी। ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पर डाउनलोड करने का फायदा ये है आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा डिस्काउंट का, सेल का, मतलब जल्दी आप नोटिफाइड रहोगे, तो इसलिए ऐप भी कर सकते हो। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम मोगा, और यहाँ हम बनाएंगे कौन सी वीडियो मेरे भाई? भाई यहाँ हम बनाएंगे जीप से लेके गाड़ियों की जीप मॉडिफिकेशन, जीप का यहाँ पर सेल परचेज कैसे होती है, अच्छा अच्छा, और इन हाउस जीप कैसे बनाते हैं स्क्रैच से लेके एंड तक। मतलब मे बी वो प्रोसेस हमें ना दिखे, बट जो चीज हमें दिख सकती है वो है कि गाड़ियां यहाँ पर लाइनअप कैसे हुई है, बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो, थोड़े रेट पता कर सकते हो। और सौरभ भाई सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं यहाँ पर खासियत, आपने ऐसे सुना होगा कि पंजाब के लोग कनाडा में बहुत ज्यादा है, सही बात, ऑलमोस्ट सेकंड पंजाब है, हम तो उसे वही बोलते हैं, तो लोग वहां पर भी अपनी गाड़ियां इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सब कुछ चलता है। तो जो जीप यहाँ बनेगी वो लेफ्ट हैंड ड्राइव से कनाडा में भी जाएगी, अच्छा, और लीगली जाएगी। ये देखो जैसे कि यहाँ इतनी सारी जीप्स खड़ी हुई हैं, जीप लैंडी, जीप थार, ये चेक करो आप, ओहो सेक्सी, इडली बड़ा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं संता सिंह मार्केट मोगा, और यहाँ एक शॉप है सैम्बी मोटर्स, डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा। और यहाँ जिप्सियाँ बन रही हैं, जीप बन रही है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि बनती कैसे है, कितना टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और ये एक जीप खड़ी है, इसमें देखो एक फ़ोन भी लगा हुआ है, लैंडलाइन दिखाते हैं भाई आपको, आ जाओ, ये देखो भाई लैंडलाइन। तो आपको पूरा बताएंगे जिप्सी में कितना टाइम लगता है, कितने की बनती है भाई। कर दो कॉल घर पे, कर दो भाई, लेट हो जाएंगे आज। तो पूरा दिखाएंगे कैसे बनती है जिप्सी, कितना टाइम लगता है, कितने की पड़ती है बनने के बाद, और बनने के बाद जो लुक आती है वो भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं अंदर। हम आ चुके हैं सैंडी मोटर्स, क्या हाल है ब्रदर? थोड़ी लोकेशन बताओ यहाँ की, लोग अगर पहुँचना हो तो कैसे पहुँचेंगे? अपने नेड़े जी, अपने आप बिजली का रहेगा अपने नेड़े जी, मेरे कासरोड का जैसे मार दिया साथ यहाँ पर, संत सिंह मार्केट मशहूर है, मार्केट पहुँच गए। अच्छा, ये मार्केट बहुत मशहूर है, जीप मार्केट, संता सिंह मार्केट जीप मार्केट भी कहते हैं। तो चलो गाइस बात करते हैं, सबसे पहले इस रेड थार के बारे, ये थार है जिप्सी है, जीप है, ये थार है, थार, अच्छा थार है। तो ये बताओ थार कितने दिन में आप बना देते हो, कितना खर्चा आ जाता है? मतलब भैया अभी लगता है 1.5-2 महीने लग जाते हैं, 1.5 से 2 महीने सही गाड़ी बनाने के लिए। और मतलब कितने की पड़ जाती है? 5.5-6 लाख 5.5-6 लाख के अराउंड पड़ जाता है। मॉडिफिकेशन पूरी करनी, मॉडिफिकेशन होगा, स्पीकर वीकर सब होगा, सनरूफ भी होगा गाइस, सनरूफ भी होगा, मूनरूफ भी होगा, अलॉय अंदर इंटीरियर पूरा, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग सब होगा। 5.5-6 लाख में आपको पड़ जाएगी, और इसके अच्छा रंग हम बता सकते हैं कि ये कर दो, फिर आप उसको मतलब प्रॉपर्ली चढ़ जाते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। ये जिप्सी बन रही है, ये जिप्सी लेफ्ट हैंड तैयार हो रहा है। अच्छा लेफ्ट हैंड, ये भाग जाएगी कनाडा जाएगी? कनाडा जाएगी। तो गाइस ये बात एक बहुत ही खतरनाक बात है इनकी,
गाड़ी इंडिया में तो चलती है, कनाडा में भी चलती है, कनाडा यूके वहाँ भी जाती है, मतलब गाड़ियाँ यहाँ से इंपोर्ट होती है। हाँ जी, इंपोर्ट होती है, तैयार हो रहा है गाड़ी। ठीक है, ये पूरा लेफ्ट हैंड का सिस्टम होगा, लेफ्ट हैंड का सिस्टम है। अभी कल गाड़ी पेंट होके आई है। अच्छा अच्छा, पेंट होके काम तो व्हाइट कलर ही बोला। व्हाइट ये कितने की पड़ जाती है? ये 5.5 लाख का पड़ जाते हैं। ये भी 5.5 लाख। सारा सिस्टम सब नया सामान होगा, सब मटेरियल लगा। ये जो गाड़ी बना है रीजनल गाड़ी बना है, जैसे रीजनल कंपनी पर गाड़ी आता है ना, वैसे गाड़ी तैयार हो रही है। क्या बात है गाइस, बिल्कुल रीजनल टायर पड़े हैं। ठीक है जी, टायर वही रो कंपनी डाल रिम वाले। क्या बात है गाइस, अब एक दिखाते हैं। ये ब्लैक जिप्स जी विली है, विली। तो गाइस ये की विली बन रही है ब्लैक। ये कितने की पड़ी? इसकी थोड़ी लेंथ छोटी होती है, थोड़ा स्पेस कम मिली होती है, इसलिए जैसा डैशबोर्ड छोटा होता है। डैशबोर्ड और ये पीछे के बैठने का भी सिस्टम। ये कितने की पड़ जाएगी? मैं लेंगे ये गाड़ी की कस्टमर की डिमांड पर होता है, जो जो सामान लगवाना है आपने। ठीक है, उसके हिसाब इंजन के हिसाब पर। अच्छा, कौन सा टायर डाल रहा है? बिल्कुल बेसिक गाड़ी चाहिए तो वो कितने की पड़ जाएगी? बिल्कुल बेसिक साढ़े तीन से स्टार्ट हो जाएगी और जाएगी, कोई लिमिट नहीं। हाँ, अलॉय टायर सिस्टम बेस ट्यूब जितना लगवाना है, सनरूफ मूनरूफ सब जितना लगवाना है लगवाओ, भर के लगवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कितने टाइम में तैयार हो जाएगी? 1.5 महीना। इसको भी 1.5 महीना लगता है? 1 महीना डालता है। तो गाइस देखिए गाड़ी देखो, अभी इस पे मतलब अभी इसकी बॉडी बनाई है। ये गाड़ी लेफ्ट हैंड आई। ठीक है, अच्छा ये लेफ्ट हैंड बन रही है, गाड़ी तैयार है। ठीक है, तेरी पेट्रोल इंजन रखना है? ठीक है, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल डीजल दोनों बनेंगे। पेट्रोल पेट्रोल चाहिए कि डीजल चाहिए? क्या बात है अभी देखो इसकी बॉडी बनी है, अभी इसमें पेंट होगा, इसमें तो बहुत ही काम बच रहा है। अभी तो वेल्डिंग का काम होगा, इंजन होगा, चेसी होगी, पता नहीं कितने काम होंगे। तो बहुत मतलब यहाँ की गाड़ियों की एक बात है, दिल से बनाई जाती है और बहुत टाइम लगता है यहाँ की गाड़ी। इडली बड़ा। तो गाइस एक ये है ब्लैक लैंडी जीप, विल्ली जीप, ये इन्होंने रेडी करी है। तो इसके पहले लोहे के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कितने इंची के होंगे भाई? कितने? 24 इंची के अलॉय हैं भाई, क्या बात है। और ये मॉडिफिकेशन इसको क्या करते हैं ब्रो? बेल जाते हैं। ये कितने का पड़ जाता है? ये सब इंचार्ज के साथ होता है। एसेसरी में क्या क्या होता है? जो भी सामान लगा, टेलीफोन हो गया, कैन हो गया, टेलीफोन, ये सब एसेसरी में। हाँ, ये सब सिंपल गाड़ी है जी। अच्छा, ये सिंपल है अभी गाड़ी। और इसका इंटीरियर भी दिखा देते हैं, इंटीरियर देख लेते। ये देखो भाई, ये पूरा गेम वाला लगाया हुआ, बिल्कुल पावर स्टीयरिंग लगाया। और ये मतलब वो ये हट जाएगा, ये कन्वर्टेबल बन जाएगी। हाँ जी, मतलब खुल जाएगी। तो ये जब मर्जी उतार लो, जब मर्जी निकाल लो, बारिश है तो लगा लो। ये कितने की पड़ जाएगी अगर हमें लेनी हो तो? ये भैया जो इसके में इंजन है, इंजन रखाता हूँ 3C इंजन में इसमें गाड़ी में। कौन सा इंजन है? 3C बोट वाला इंजन, टोयोटा 3C। हाँ जी, और बोट वाला इंजन लगा हुआ है गाइस इसमें, वो 3C इंजन में, एक्स्ट्रा पावरफुल एकदम। इसका पावर स्टीयरिंग का पावर बनेगा, ये पावर क्लच है, पावर ब्रेक, पावर क्लच, पावर स्टीयरिंग। ये कितने की पड़ जाएगी अगर इस टाइप की बनवाएंगे तो? ये गाड़ी 4.5 लाख की पड़ जाएगी। 4.5 लाख की, और इंजन बहुत ही पावरफुल है। अभी हम चला के भी दिखाएंगे। और लाइटें वाइटें यार इनका मजा तो रात को है, बट रात को तो हमें निकलना है, क्या कर सकते हैं। तो गाइस हम लेके जा रहे हैं ये गाड़ी टेस्टिंग के लिए, तो चलो बैठो भाई जल्दी बैठो। थोड़ी थोड़ी गाड़ी है, आराम से निकालनी पड़ती है। क्यों भाई? तरीके से निकालेंगे, तरीके से और नहीं है। ओ भाई, बंदा डर गया भाई। है तो चीज मजेदार ब्रो, ये हाड़ दू झटका थोड़ा। पावर है भाई इसमें, है बोट का इंजन दिया हुआ है। तो गाइस इसमें है बोट का इंजन और इसकी पावर देखो यार। अभी इसमें थोड़ा इंटीरियर का काम बच रहा है, इसलिए मैं धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि थार वायर एकदम ऐसे संभलती नहीं है। इसमें पावर ब्रेक है, बट वो भाई वो बस आई रुकी जाती है इसके।
बाद एक दिक्कत है, ठंड लग रही है भाई। यहाँ से हवा आ रही है ठंडी ठंडी भाई। ये है चीजें शौक के लिए, ये शौक की चीज है, शौक को ठंड नहीं लग सकती। शौक बड़ी चीज है भाई। भाई यहाँ की गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, इंजन बिल्कुल पावरफुल है, आपको बताऊँ। और जो ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, वो और कहीं नहीं हो सकती भाई, ये मैंने मान लिया भाई। पैशन है, पैशन, ये पैशन है इनका, ये मतलब अपने पैशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये क्या बोले, बस अब कर दो लाइक इस वीडियो को, ठीक है भाई, लाइक करवा दो इस वीडियो भाई। इस कंटेंट को अगर लाइक ना मिले तो मजा नहीं आएगा फिर, तो इसको लाइक करवा दो, गलत बात हो जाएगी लाइक। सौरभ भाई हम भी देख ले आपके सब्सक्राइबर पंजाब में कैसे हैं। अरे बहुत है, गोभी खोद देंगे। तो गाइस एक ही गाड़ी की रेडी हो गई है, बाहर का पूरा काम है कंप्लीट, बाहर का पूरा काम कंप्लीट है। इंजन कौन सा इसका, बोलेरो का इंजन है, कितने सीसी वाला, सीसी नहीं पता, अगर सीसी बट है काफी पावरफुल। खोले इसको दिखाना जरा एक बार, इसका भी इंजन देख लेते हैं गाइस कैसा है। ओहो बुलेरो का इंजन डाला हुआ है, इसमें क्या क्या है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक नहीं, पावर क्लच थी और पावर वो भी बाकी सारा सामान नया होता है, जो भी हमारा बैटरी नई, रेडिएटर नया, ठीक है, फिल्टर फिल्टर सब नया होता है, सब बिल्कुल ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू टायर है। क्या बात है, और इसमें क्या रिम है, अलॉय लगे हुए हैं, रिम रिम रिम। अच्छा इसमें रिम है, ये थोड़ी मतलब आर्मी लुक दी है, वाइल्ड लुक दी है इसको, जिंगल जाली, ये देखो इसमें रिम डले हुए हैं। अभी इसके इंटीरियर में चल रहा है काम गाइस, अभी इसका इंटीरियर पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ, पीछे थोड़ा बहुत काम बच रहा है, वरना गाड़ी ये भी जानता रहा। स्टार्ट कर दें एक बार, हाँ जी हाँ जी, न्यूट्रल कर दें इसको, कर दें न्यूट्रल 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 कर दें, एक मिनट इसको हम न्यूट्रल करके स्टार्ट करते हैं भाई। हो गई न्यूट्रल भाई, सवाल हैवी गा रहा है, हैवी मारू इसकी लाइटें भी दिखा देते, फुल एलईडी लाइट, लुक देखो। और ये ऑरेंज वाली जलाना, ऑरेंज वाली बड़ी वाली भी जला देते हैं, अभी अंधेरा है नहीं बट फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और भाई एक बार यहाँ से अभी लुक देखो यार, इसकी लुक आ रही है भाई, इसमें मतलब थोड़ा बहुत काम करवा लेना हम, थोड़ा बहुत भाई, ये मजा बांध देगी गाड़ी, इडली बड़ा। गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज, ध्यान से देखना, स्किप मत करना, लाइक कर दो इसी बात पे। गाइज यहाँ पड़ी है बॉडी थार की, जिप्सी की, जीप की, ओरिजिनल बॉडी सही है, ये बॉडी है बिल्ली करके पड़ी है जी, बिल्ली की ओरिजिनल बॉडी, जो ओरिजिनल बॉडी आता है ना। अच्छा ये ओरिजिनल बॉडी, मेड बॉडी आता है। अच्छा ये है कान में जी का। अच्छा अच्छा, जो मेजर जीप आता है ना, हाँ हाँ हाँ, ओरिजिनल बॉडी है ये, मतलब ओरिजिनल। और ये इंजन विंजन जो भी है, इंजन का काम भी खुद ही करते हो सब, मतलब गाइस एक बात है इनका ना पैशन है ऐसा नहीं, इन्होंने बोर्ड वोर्ड नहीं लगाया तो इनका इतना मतलब पैशन हीट है ये गाड़ियों के पीछे, बिल्कुल दिल से काम करके देंगे। इनका मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस ये रहा इनका कार्ड, कुछ भी डिटेल हो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो गाइस ये कार है, ये दिल्ली से यहाँ आई है रिपेयर होने, तो समझ लो यार मतलब इस मार्केट की बात, दिल्ली से आ रही है गाड़ियाँ भाई। और देखो पूरे मतलब इसकी लुक चेंज हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल नया मॉडल हो जाएगा, जो भी नया मॉडल है वैसी लुक बना देंगे, बिल्कुल नया मॉडल पुराना भी भाई लगी रही है, बिल्कुल अलग ही लग रही है भाई, है ना भाई, पूरी रॉ है ये, ये पूरी रॉ है, इसको ऐसा बना देंगे मजा आ जाएगा, है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ये, और मतलब ये सनरूफ बनेगा अंदर, पूरा इंटीरियर चेंज होगा, इंटीरियर सब चेंज होगा, पूरा इंटीरियर चेंज होगा, इंटीरियर चेंज होगा, क्या बात है, पावर स्टीयरिंग होगा इसमें, पावर विंडो सब होगा, पूरा काम होगा। तो इसमें कितना लग जाएगा मतलब टाइम, इंटीरियर इंटीरियर में और टाइम भी बता दो, पैसा और टाइम भी बता दो, टाइम इसमें लगते 15 दिन लग जाते हैं, इसमें 15 दिन लग जाते हैं, और पैसा हाउ मच, पैसा लगता है 1,20,000 रुपये खर्चा है, 1,20,000 रुपये खर्चा है, जिसमें होगा सनरूफ, हार्ड टॉप, सनरूफ, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पूरा इंटीरियर का काम, स्पीकर वीकर सिस्टम सब, 1,20,000 में पूरा आपका इंटीरियर चेंज हो जाएगा और एक्सटीरियर भी। तो ये भी आप करवा सकते हैं, अपनी ऑलरेडी थार से बोर हो चुका है तो कलर वलर भी चेंज करा सकते हैं, जो मर्जी जो मर्जी जो मन करे वो करवाओ यार, दिल खुल के बात। सौरभ भाई कहाँ जा रहे हो भाई, अब एक इन्होंने कार रेडी कर रखी है, वो दिखाते हैं आपको, बड़ी ही ऑसम रेडी करी है, वो दिखाते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको पंजाब में ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, तो चलो दिखाते हैं।
ये 6 AC है पूरी। हाँ, 6 AC। ये बड़ी है 6 AC और अभी काम चल रहा है, अंकल कर रहे हैं। 15 दिन लग जाएंगे इसे, मतलब इसको 3 महीने, 2-2.5 महीने है, 2 महीने लगेंगे, 2 महीने। ओ भाई, इसमें इंजन डलेगा, सारा सामान डलेगा, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग। करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे बढ़ते सारे बावली तरेड़, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूत बजेंगे, तूत पे लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।